वेतन बढ़ाने को लेकर सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, कैसे चलेगा स्वच्छता अभियान। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर नपा के सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ऐसे शहर की सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। हड़ताल के पहले दिन नपा कर्मचारियों ने नगर पालिका में धरना प्रदर्शन किया। अब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में कैसे स्वच्छता अभियान चलेगा। सफाई कर्मचारी संघ के मनोज राहुरी कर नपा के सफाई कर्मियों ने अपनी वेतन बढ़ाने, सफाई कर्मियों को स्थायी करने जैसी कई मांगों को लेकर बीते एक साल से ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। आज तक हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ, इसलिए अब सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। और साथ ही साथ मनोज ने बताया कि जो मांग हमने रखी है उसमें दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी को कलेक्टर रेट पर वेतन दिया जाए, वर्षों से काम कर रहे सफाई कर्मियों को वरिष्ठता सूची में शामिल कर उन्हें वेतन वृद्धि, मकान किराए का लाभ दिया जाए, मृतक और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अवकाश का नकदीकरण भी किया जाए, वहीं अनुकंपा नियुक्ति और सेवानिवृत्ति के आश्रितों को विशेष नियुक्ति दी जाए। मैं आज कम से कम एक साल से हम लोग इनको ज्ञापन दे रहे हैं कुछ मांगों को लेके, जैसे कि नगर पालिका में आप आ जाओ मेरे पास, विनियमितीकरण की मांग है और अनुपम्पा नियुक्ति की भी मांग है, उसमें कुछ कर्मचारियों के पैसे बढ़ने की मांग है, कुछ कर्मचारियों के पीएफ की मांग है। ऐसी कुछ मांगों को लेकर हमने इनको ज्ञापन दिया और एक साल से ज्ञापन देते आ रहे हैं और सिर्फ हमको आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। तब जी हड़ताल कहाँ तक जाएगी जी? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे हम हड़ताल पर रहेंगे। और अभी तो आज जो मैंने धरना प्रदर्शन का जो लेटर दिया था, चूंकि आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आज की डेट में ये लोग हमारी मांगे या वार्ता के लिए तैयार होते हैं तो तैयार हैं, और अगर शाम तक ये वार्ता के लिए तैयार नहीं होते हैं तो कल से काम बंद हड़ताल रहेगी। तो फिर पूरे शहर में साफ सफाई का जिम्मा नगर पालिका शिवपुरी का जिम्मेदार रहेगा। नगर पालिका जी, इस वक्त एक स्वच्छता अभियान भी पूरे शहर में चलाया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, तो फिर वो उस पर कहीं ना कहीं ये तो एक कहीं ना कहीं रुक जाएगा वो आपका स्वच्छता अभियान जो चलाया जा रहा है। तो आप एक बात बताइए कि शिवपुरी 94 नंबर पर जो अंक लेके आई है पूरे मध्य प्रदेश में, तो किसकी वजह से लाई है? सफाई कर्मचारियों की वजह से लाई है। और ये चीज़ मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ये बात पता होना चाहिए कि सफाई कर्मचारी जब काम करते हैं जब ही कोई चीज़ आगे बढ़ती है। आज शहर को स्वच्छ बनाने में किसका हाथ है? सफाई कर्मचारियों का। आज 94 नंबर किसके वजह से आए? सफाई कर्मचारियों की वजह से। 132 से 94 तो आज जो जनरेशन पे अपन लोग खड़े हैं अपने शहर को लेके, रैंक को लेके, और आप उन्हीं की गिनती नहीं कर रहे। सीएमओ साहब से अभी कोई वार्ता हुई है? सीएमओ साहब अभी तक कोई वार्ता का लेटर नहीं है, कोई वार्ता का ऑफर नहीं है हमारे पास। ना तो वो ऑफिस आती है ना हमसे कहती हैं कि आप वार्ता करो। अब वो लोग नहीं आते तो हम भी बैठे हैं, क्या करें।